एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोची आ गई आपकी मोस्ट अवेटेड प्रियंका और गरिमा लव स्टोरी का सीज़न 2 लेके। सो जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था और जिन लोगों ने भी सीज़न 1 को प्यार किया था उन सभी को थैंक यू, क्योंकि होप कि आप सीज़न 2 को उतना ही प्यार करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट सीज़न 2। सीज़न की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नया मिड टर्म स्टार्ट हो चुका होता है और नए बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं, नए एनर्जी आ रही होती है कॉलेज में। और हमारे पुरानी स्टूडेंट जो कि गरिमा होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। हाँ, थोड़ी सी दुखी होती है अंदर से, बट वो इस चीज़ को मूव ऑन कर चुकी होती है। कितने दिन यार एक चीज़ को पकड़ के बैठेगी, तो वो भी मूव ऑन कर चुकी होती है। और ये लोग कैसे मस्ती मजाक कर रहे होते, तो जो गरिमा की फ्रेंड होती है वो बोलती कि अरे नहीं बच्चे आ रहे यार, चल ना रैगिंग करते। तो गरिमा बोलते पागल है क्या, क्यों रैगिंग करना किसी को। तो वो बोलते कि भूल गई हमें कैसे रैगिंग किया था जब हम आए, तो हमारे टाइम पर हम क्यों छोड़े, और इस जूनियर को मज़ा आएगा यार रैगिंग करने में, चल ना। तो गरिमा बोलते यार प्रिंसिपल को पता चल गया तो उसकी फ्रेंड बोलती यार तो तुम फट्टू की फट्टू रहेगी यार, तो कभी नहीं बड़ी हो सकती, ग्रो बेबी ग्रो अप। अब हम सीनियर हो चुके, अब हमारे हाथ में है कि हम इन जूनियर का मजा लें। तो घर में बोलते पक्का कुछ नहीं होगा, तो उसके फ्रेंड्स बोलते कि अरे बाबा पक्का तो टेंशन मत ले यार, जब आई एम इज योर वाई यू फियर, चल बेबी चल एंजॉय करते। ऐसे बोल के ना उनका जो सारा ग्रुप होता है ना, जहाँ पे रागिनी, सीमा, श्रेया, आशीष, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके फ्रेंड्स अभी बन चुके होते हैं, उनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो वो सारे लोग जाके ना एक बार एक जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं ना उनको रैगिंग कर रहे होते हैं, किसी को ऐसे पूछते व्हाट इज़ योर नेम, कौन हो तुम, तो उसका जो अपना नाम बताता है तो अच्छा ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम ऐसा क्यों रखा, ऐसा क्यों नहीं रखा। तो वो जो होता है ना बोलते कि मैम वो सर वो ऐसे बोलते, तो सर मैम क्या बोल रहे हो, जाओ हमारे लिए कॉफ़ी लेके आओ, ऐसे बोल के एक भगा देते। दूसरा आता है तो उसके साथ वैसे बोलते अरे तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, चलो हमारे लिए चलो नाच के दिखाओ, ऐसे बोल के उसको नचवाते। ऐसे बोल के ना हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसे ढेर दे रहे होते, इतनी खतरनाक वाली भी रैगिंग नहीं कर रहे होते, हल्की फुल्की रैगिंग कर रहे होते। सो वो लोग ऐसे ही कर रहे होते और एक के बाद एक ना रैगिंग चल ही रही होती है, और गरिमा को भी इन सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो जो रैगिंग चल ही रही होती है तब गरिमा को उसके फ्रेंड बोलते चल हमने तो इतनी सारी रैगिंग कर ली, तो बस मज़े ले रहे, तू भी किसी की रैगिंग कर। तो गरिमा बोलते यार पता है ना मैं थोड़ी सी फट्टू, तो उसका जो फ्रेंड होता है आशीष बोलता है तू और फट्टू कहाँ से यार, बाइक उड़ाती है, स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, स्मोक तो ऐसे करती है रिंग बना लेती है, और तू कहाँ से फट्टू यार, इन लोगों से ज़्यादा तो तू ही ज़्यादा डेरिंग है, चल ना तू कुछ डेर दे ना न्यू जो आ रहे जूनियर को। तो गरिमा बोलती है अरे नहीं यार मैं भी कैसे कर सकता हूँ, तो ऐसे ही बोलते मुझे कुछ नहीं पता, इस बार तो रैगिंग तेरे को ही कराना पड़ेगा। तो जो दूसरे होते हैं शेयर सीमा सब कुछ जो होते हैं उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ हाँ गरिमा एक को तू ही रैगिंग कर। तो आशीष बोलता है ठीक है इस गेट से ना जो अंदर पहले आएगा ना उसको तू रैगिंग करेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो गरिमा बोलती ओके डन, तुम लोग भी क्या याद रखोगे तुम्हारी फ्रेंड कौन सी शेर थी, ऐसे बोल के ना दाढ़ भर के ऐसे बाइक के ऊपर बैठ जाती है। तो उसके फ्रेंड्स भी एकदम कूल होकर बैठ जाते हैं और ये लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो आज ऑलमोस्ट तो स्टूडेंट आ ही चुके होते हैं और टाइम भी हो चुका होता है दोपहर के एक दो, तो स्टूडेंट आना बहुत कम ही हो रहा होता है। तो उतने में एक लड़की एंट्री करती है, एकदम हाई वेस्ट जीन्स, ब्लैक कलर की हील, ब्लू कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की हील, ब्लैक कलर का टॉप, क्रॉप टॉप होता है, और एकदम बहुत ज़्यादा स्लिम होती है, हल्की लाइट मेकअप, हाई पोनी टेल, ऐसे करके अपने ट्रॉली को लेके ना कॉलेज के हॉस्टल में एंट्री कर रही होती है। तो जैसे ही आशीष देखता है ना उसको, वैसे ही वो गरिमा के आँख में ना ऐसे हाथ रख देता है और बोलता है यार क्या बंदी है यार ये इस बंदी को कोई रैगिंग नहीं करेगा, इसको तो बस मैं ही रैगिंग करूँगा। तो वो तो जो सीमा श्रेया होते हैं बोलते हैं अरे तूने तो अभी बोला था कि गरिमा रैगिंग करेगी, इसको तो ऐसे कर कैसे कर सकता है। तो उसको बोलते यार क्या बोल रहे हो, इतनी सही लड़की को कोई रैगिंग कर सकता है क्या, भाभी है तुम लोगों की, भाभी को कोई रैगिंग करता है, इसको तो मैं धर में बिठा के रखूँगा, रैगिंग नहीं इसको तो मैं सारे नखरे उठा लूँगा। तो गरिमा अपना हाथ उठाते बोलती कि क्या यार किसी भी लड़की को देखे तो ना मजनू हो जाता है, तेरी ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसे बोल के जैसे सामने देखती है ना गरिमा देखती ही रह जाती है। और वो लड़की ना एंट्री लेके ना धीरे धीरे एंट्रेंस से धीरे 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 चलते चलते ना इन लोगों के सामने आती है और गरिमा बस उसको देखती रह जाती है। तो आशीष ना बैक से एकदम कूदते आए और जाता है उसके नीचे और बोलता है हाय मिस आप न्यू है इस कॉलेज में, तो वो जो लड़की होती बोलती है कि यस आई एम न्यू हियर, सो आप मेरे सीनियर हो और मेरी रैगिंग करने आए हो।
तो आशीष बोलता है नहीं नहीं ऐसे हम कर सकते हैं क्या, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का हम रैगिंग करें, वैसे ये बहुत बुरा है और ये कॉलेज और हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम थोड़ी ना किसी का रैगिंग कर सकते हैं। तो जो श्रेया होती है ना और जो सीमा होती है वो गरिमा को बोलते हैं देख देख कैसा मतलब लट्टे हो गया, सुंदर लड़की देखी नहीं कि जहाँ लाइन वाइन लड़कों का स्टार्ट हो जाते हैं, बट हम भी देखते हैं आशीष कब तक पहुँचाएगा, एक ना एक दिन लड़की हो तो ज़रूर रैगिंग करेंगे। तो गरिमा एकदम चुप हो जाती है और जो उसके फेस में जो स्माइल होती है ना इतने देर से वो एकदम बंद हो जाती है। तो जो लड़की होती है ना वो आती है आशीष को बोलती है हाय सीनियर, तो आशीष बोलते अरे सीनियर किसको बोला, तो जो होती है लड़की बोलती है हाय सीनियर भैया, तो उसने वो आशीष बोलता है कि अरे सीनियर किसको बोला, बस आशीष बोलो कॉल मी आशीष, और तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा ना, इतनी सुंदर हाथों पर इतने भारी पे एक अच्छे नहीं लगते, मैं उठा दूँ ऐसे बोल के ना फ्लर्ट करने लगता है। तो जो लड़की होती है ना वो शाय हो जाती है और एकदम आगे बढ़ती है, वो आगे बढ़ती है उसकी नज़र भी गरिमा के ऊपर पड़ती है, बट वो गरिमा की तरफ नहीं दिखती, वो आगे बढ़ जाती है। तो गरिमा वहाँ से उठती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, तो सीमा और श्रेया जो होते हैं ना उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तो गरिमा बोलती अरे मुझे जाने दो ना, मुझे मुझे भी बात करनी है उससे। तो जो सीमा श्रेया होते बोलते अरे यार हमारे दोस्त की सेटिंग चल रही है यार, तुझ बीच में जाके क्यों कबाब में हड्डी बनाना चाहती है, तो गरिमा बोलती पागल है क्या, उन दोनों की कभी सेटिंग नहीं हो सकती। तो जो सीमा श्रेया होते बोलते कि तू सच में तू साली ना सच में ना मतलब मनुष्य की मनुष्य रहेगी, सॉरी मैं अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ बट थोड़ा सा ऐसा होता है कॉलेज टाइम में। वो बोलते तो ना अपने दोस्त का घर कभी बचने नहीं दे बेचारा, मैं हमारा आशीष पहली बारी तो किसी लड़की का इतने खातिरदारी कर रहा है यार, नहीं तो हमारे साथ ही रहता था, थोड़ा सपोर्ट नहीं कर सकता पटाने में उसको। तो गरिमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलते तुम लोग समझ रहे हो क्या कर रहे हो बोल रहे हो, तो बोलते कि अरे चिल यार चिल, लड़की ये है कि तेरा दिल आ गया क्या, तेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट आ गया क्या। तो गरिमा ये बात सुन के ना उसके हाथ ना एकदम एकदम बहुत टाइट हो जाते हैं, बोलते कि तुम लोगों को ये फालतू बकवास करना है करो बट मैं ये फालतू बकवास नहीं सहूंगा नहीं सहूंगी, ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते क्या यार तेरा भी मूड का ना कुछ अलग ही है, जब से तू ओडिशा जाके फिर से वापस आई है ना हॉस्टल से तेरा अलग ही सीन कुछ है, हमारी पहले वाली दोस्त तो रही ही नहीं। तो ये जो ओडिशा वाले बात सुन के ना गरिमा की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, बट वो अपने आंसू को छुपा लेती है और बोलती कि हो गया ना तुम लोग का हम में जाओ। तो ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ने लगती है, तो बोलते अरे सुन तो, जो उसके फ्रेंड्स होते पीछे से बुलाते, तो गरिमा बोलते हाँ बोलो, तो बोलते कि यार हम लोग भी चलते हैं ना हॉस्टल ही जा रहे हैं ना, तो चल ना साथ में चलते हैं। तो गरिमा बोलती है ठीक है चलो साथ में चलते हैं, ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है। और दूसरी तरफ आशीष जो होता है ना उस लड़की को फ्लर्ट करते करते उसका ट्रॉली बैग लेके आगे आगे जा रहा होता है और बोलते आपको ना इस कॉलेज में ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आशीष है ना बस आप एक हुक्म कर दीजिएगा बंदा आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो वो लड़की बोलती है कि थैंक यू सर, तो बोलते अरे सर फिर भी बोल रही हो, अरे आशीष बोलो ना कॉल मी आशीष, और हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं ना, देखो मैं इस कॉलेज का बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़का हूँ, मेरे साथ दोस्ती कर लो फायदे में रहोगी। तो वो जो लड़की होती है ना हंसने लगती है, तो आशीष एकदम आगे जाता है और बोलता है किसका है ये तुमको इंतज़ार में हो ना, ऐसे बोल के ना एकदम शाहरुख खान वाला पोज करके उसको दिखाता है। तो लड़की और ज़्यादा ज़्यादा हंसने लगती है, तो आशीष बोलते अरे कुछ तो बोलो, तो जो लड़की होती है बोलती कि सो मच फनी यार बहुत फनी हो तुम एकदम फिल्मी एकदम मेरे जैसे हमारी तो बहुत अच्छी जमेगी, ऐसे बोल के ना हैंडशेक करने के लिए उसको हाथ बढ़ाती है। तो आशीष एकदम खुश हो जाता है, वो हाथ पकड़ लेता है, बोलते हाय आई एम आशीष दीवान और तुम्हारा नाम, तो वो बोलती है कि प्रियंका प्रियंका नायक। तो ये जो लड़की न्यू एंट्री ली होती है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गरिमा के कॉलेज में, और वो कोई नहीं हमारी जो प्रियंका होती है ना वो होती है। तो प्रियंका का नाम सुन के ना आशीष एकदम खुश हो जाता है, हाथ मिलाता है और बोलता है कि तो प्रियंका और आशीष कितने सही लगते हैं ना नाम एक साथ। तो जो प्रियंका होती बोलती अरे बस बस बहुत हो गया फ्लर्टिंग, तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना तो फ्रेंड्स में थोड़ी ना फ्लर्टिंग करते हैं। तो आशीष बोलता है कि अरे फ्रेंड्स में ही फ्लर्टिंग करते हैं, आज फ्रेंड्स बनोगे कल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे तो पूरा कॉलेज जेलस होगा ना। उतने में ना जो बाकी के लड़के होते हैं ना आशीष के मतलब आशीष के तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं बट ये गरिमा लोग ये ग्रुप में रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना उसको देख के ना आ जाते हैं और प्रियंका को देखो स्पेशली लड़के ना एकदम घेरा बांध लेते हैं, क्योंकि जो पहले वाली प्रियंका होती है ना सलवार सूट डालने वाली प्रियंका तो पहले भी बहुत स्टाइलिश होती है, थोड़ी सी हेल्दी होती है इतनी ज़्यादा नहीं, बट वो तो अपना पूरा ही एकदम ट्रांसफॉर्मर करके ना एकदम मॉडर्न बन चुकी होती है एकदम दिल्ली वाली, जैसे कि कोई बोल ही नहीं सकता ये छोटे से गांव से आई है कहीं से आई है उड़ीसा से आई है, ये कोई बोल ही नहीं सकता। इस बारी प्रियंका को देखी एकदम फेस पे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लाइट मेकअप प्रॉपर हिंदी प्रॉपर इंग्लिश हर चीज़ में प्रॉपर प्रॉपर और स्लिम और
बहुत ज़्यादा सुंदर, पहले से भी और ज़्यादा सुंदर। उसने अपने ऊपर इतना काम किया होता है ना कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते। इस बार वो इतनी ज़्यादा कह डायरी होती है, तो जो होते हैं ना सारे लड़के, सारे के सारे लड़के प्रियंका को आके ना एकदम घेर के खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं कि हाय मिस, आप मुझसे भी दोस्ती कर लो, मैं भी आशीष आशीष का फ्रेंड हूँ, मेरा नाम है अमन। हाय, तो जो प्रियंका होती है बोलती है हाय अमन, ऐसे बोल के हैंडशेक करता है करती है। तो वो दूसरा बोलता है कि हाय मेरा नाम है शिवा शिवा। तो बोलते कि हाय शिवा। तो दूसरा बोलते अरे मैं भी आशीष का दोस्त हूँ, मेरा नाम है प्रेम, ऐसे बोल के सारे के सारे ने ऐसे हैंडशेक कर रहे होते हैं। तो सबसे हाय ऐसे करके ना हैंडशेक जब प्रियंका करती है ना, स्माइल दे दे के, आशीष एकदम जलस हो जाता है। बोलता है कि यार बस बस बस, ये मेरी दोस्त है, तुम लोग इतना दोस्ती करने क्यों आए। तो प्रियंका बोलते हैं कि हम सब दोस्त हैं ना इस कॉलेज में, और मेरे साथ जितना सीनियर का प्रोटेक्शन होगा उतना तो अच्छा है ना, मेरे को कोई रैगिंग नहीं करेगा, तो अच्छा ही है ना आशीष, हम सब दोस्त बनेंगे। तो प्रियंका के तो आशीष देख के बोलते हैं हाँ हाँ सब दोस्त बनेंगे, बट बॉयफ्रेंड तो मैं ही बनूंगा। इतनी खूबसूरत यार, पूरे कॉलेज में इतनी खूबसूरत लड़की कहीं मैंने देखी। मैंने कॉलेज में क्या, तुमको तो देखते ही मेरे दिल में गिटार बज गया, तूने मारी एंट्री मेरे दिल में बजी घंटी, ठहर ठहर ऐसे मतलब दिल ही दिल में गा गा के वो नाच रहा होता है। तो सारे फ्रेंड्स ना उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आशीष प्रियंका को साइड कर देता है और बोलते हैं अरे बस बस बस, प्रियंका थक गई है, नहीं ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग है ना अभी अभी, वो स्टेशन से आई हो कि हाँ ना प्रियंका, चलो मैं तुमको तुम्हारा हॉस्टल दिखा देता हूँ। तो प्रियंका उसको देखती है और बोलती है कि हॉस्टल मतलब तुम लेडीज हॉस्टल जाओगी। तो दर्शन बोलते अरे मत, मेरा मतलब वो नहीं, मेरे फ्रेंड्स है ना पीछे। अरे गरिमा यार तू आ ना यार, तू कहाँ पीछे, ऐसे बोल के पीछे मुड़ते तो गरिमा और सीमा सिया सब कुछ आ रहे, तीनों आ ही रहे होते पीछे पीछे। तो गरिमा को जैसे ही गरिमा की नज़र प्रियंका के ऊपर पड़ती है, वो उसके मतलब आँखों में थोड़े से आंसू छलक आते हैं, बट प्रियंका देख के ना एकदम नॉर्मल बिहेव करती है कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो वो आशीष को बोलता है ये तुम्हारे फ्रेंड्स है, तो आशीष बोलता है फ्रेंड्स क्या, बेस्ट बडी है, जिगरी है मेरे ये लोग, और एक तो गर्ल्स हॉस्टल में है, तुमको तो कोई सीनियर परेशान भी नहीं कर सकता गरिमा ना यार, और ये तो मेरी बेस्टी है, ऐसे बोल के ना उसको बुलाता है। तो गरिमा का ना फिर आगे बढ़ ही नहीं रहा होता प्रियंका को देख के, उसके गला एकदम भर चुका होता है, आँखों में एकदम आंसू आ रहे होते हैं, और मतलब वो प्रियंका को उसको बात करना चाह रही होती, बट वो इतने लोगों के बीच में भी कैसे बात करे, सो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती, धीरे धीरे चल रहे होते। तो सीमा और शिया जो बोलते बोलते कि यार तो क्या करी इतना स्लो चल रही, आशीष बुलाना बुला रहा ना वहाँ पे, चल ना वहाँ पे चलते हैं। तो गरिमा बोलती हाँ तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। तो वो लोग बोलते क्या यार गरिमा तेरा ना हमेशा का मूड स्विंग होता है, अभी शेरनी बनी थी अभी भीगी बिल्ली हो क्या जाता है यार तेरे को। तो गरिमा बोलती नहीं कुछ 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 भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस बस यूं ही कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के ना वो चाह ही नहीं रही होती। तो वो दोनों बोलते चल ना यार तेरा तो हमेशा का नौटंकी है, ऐसे बोल के ना उसका हाथ खींचते खींचते उस तरफ ले जाते हैं। और हमारी जो गरिमा बेचारी होती है ना वो भी कुछ कर नहीं पाती, और वो उनके साथ खींचते हुए वहाँ पे चले जाते हैं। जो आशीष होता है ना गरिमा के कंधे पे ना एकदम हाथ रखता है, बोलता है मेट माई बेस्टी सिस गरिमा, और हमारी कॉलेज की टॉपर है, पढ़ाई में तो एकदम औसम है ही है, बाकी बाइकिंग और पार्टी वार्टी में भी एकदम हमारे बीच में ना सबसे कूलेस्ट फ्रेंड है। सो लेट्स हाई गरिमा, ये इसका नाम प्रियंका है, प्रियंका नायक, ये भी कहाँ से आए हो वैसे प्रियंका। तो प्रियंका बोलती है आई एम फ्रॉम उड़ीसा। अरे तुम भी उड़ीसा से हो, आशीष ऐसा बोलते हैं। तो प्रियंका बोलते हैं हाँ मैं भी उड़ीसा से हूँ, यहाँ पे कौन उड़ीसा से है। तो बोलता है कि मेरी बेस्टी उड़ीसा से है, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या। तो प्रियंका बोलती है नो। तो गरिमा ये बात सुन के ना एकदम शॉकिंग नज़रों से प्रियंका की तरफ देखती है, और प्रियंका ऐसे बिहेव कर रही होती है कि जैसे वो गरिमा से पहली बार ही मिल रही होती है। तो गरिमा को समझ नहीं आ रहा होता, वो प्रियंका को ऐसे देखती है और आंखों ही आंखों में पूछती है कि क्या। तो उतनी देर में ना प्रियंका अपने आँख में ना गॉगल्स चढ़ा देती है और बोलती है हाय हाय एवरीवन, हाय न्यू ईयर, तो आप लोग मेरा साथ दोगे ना, और मैंने सुना है इस कॉलेज में रैगिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग हो सीनियर मेरे दोस्त बन गए, तो मुझे तो किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है। तो जैसे सीमा और बोलते हैं ना, सीमा होते हैं वो प्रियंका गरिमा के कान में धीरे से बोलते हैं हाँ हाँ बच्चू तेरे को टेंशन की ज़रूरत नहीं, तो बस गर्ल हॉस्टल चलते तो क्या करते ना तेरे को पता चलेगा, है ना गरिमा, ऐसे बोल के उसके कंधे पे ना ऐसे टैप करते। तो गरिमा को थोड़ा सा होश आता है, बोलते हाँ हाँ। तो आशीष बोलते मिलना यार तेरे शहर की है। तो आशीष गरिमा बोलती हाँ हाँ हाय 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 प्रियंका, कैसी
कैसी हो, ऐसे बोल के ना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो प्रियंका भी एकदम से हाथ पकड़ लेती है, नाइस टू मीट यू गरिमा, हाय, और उसका उससे हाथ छुड़ा के बोलती है हाय, दूसरी जो सीमा होती है ना उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, तो सीमा भी बोलती है हाय अन सीमा, तो जो शेरिया होती है हाय मरिया, ऐसे बोल के वो हाथ बढ़ा लेती है, तो प्रियंका एकदम सबसे अच्छे से मिलती है, तो आशीष बोलता है यार ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम लोग हॉस्टल में ख्याल रखोगे ना इसका, तो जो रिया और शिया होते हैं हाँ बोलते हैं हाँ तू टेंशन मत ले हम है ना, और तुम्हारा रूम नंबर कौन सा है, तो प्रियंका बोलती है 112, तो ये सुन के ना गरिमा एकदम शॉक हो जाती है और बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं, बोलते 112, तो प्रियंका बोलती है हाँ 112 क्या हो गया, कुछ डरावना है क्या उस रूम में, तो जो रिया शिया होते बोलते हैं वो तो गरिमा का बगल वाला रूम ही है ना गरिमा, और वहाँ पे तो आई गेस पूरा रूम ही खाली है, तो जो भी होगा ना वो तो जूनियर ही होगा, तुमको सीनियर के साथ तो बेड शेयर करनी नहीं पड़ेगी फिर, तो तुम्हारे मजे है ब्रो, अभी तक तो कोई ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है उस रूम पे, तो ये बात सुन के प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एकदम हंस हंस के ना सबसे बात कर रही होती है, बट गरिमा की नज़र ना एक टक प्रियंका पे के ऊपर ही टिकी होती है, उसकी नज़र ना हट ही नहीं रहे होते, उसके आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ तो रहे होते, बस आंसू को छुपा रही होती है, और बोलती कि अच्छा तो हम हॉस्टल चले प्रियंका, ऐसे बोलती है उसको, तो प्रियंका बोलती है ऑफकोर्स चले सीमा, ऐसे बोल के वो सीमा का हाथ पकड़ लेती है, तो गरिमा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि वो उसका हाथ नहीं पकड़ के उससे बात नहीं करके वो उसे ऐसे अननोन जैसे फील कर रही है कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं रखती है उसके लाइफ में, वो है कौन उस जानती भी नहीं, तो सीमा भी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ चलो चलो, तो आशीष भी उनको आधा रास्ता छोड़ने जाता बोलता रहता है हमारे कॉलेज में ये है ऐसा है, तो यहाँ इनफैक्ट तुम हमारे बास्केटबॉल तुम ज्वाइन कर लो, गरिमा तो हमारी है ही बहुत अच्छी, हम बाइकिंग में जाएंगे पार्टी करेंगे ड्रिंकिंग करेंगे ऐश करेंगे, तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग उससे 1 साल ही सीनियर बैच में होते हैं और जो प्रियंका होती है ना वो जूनियर बैच में होती है, तो प्रियंका भी उनसे बहुत ज़्यादा हंस हंस के बात कर रही होती है और गरिमा के आंखों में लिटरली आंसू आ चुके होते, और ऐसे चल चल के ना वो जैसे लेडीज हॉस्टल पहुंचते हैं ना आशीष भी आगे बढ़ रहा होता है, तो प्रियंका बोलती है कि बस आशीष हमारा सफ़र यहीं तक था, तो आशीष बोलते क्या, तो ऊपर दिखाती है प्रियंका और बोलती कि लेडीज हॉस्टल तो हमारा सफ़र यहीं तक था, तो अब चलो हम चलते हैं भाई मिलते हैं कॉलेज में कल, तो आशीष एकदम अपने सर पे हाथ मारता बोलता है यार तुम इतनी ज़्यादा सुपर उपर कूल हो ना, मैं तो सब कुछ भूल ही जाता हूँ, एक बात बोलो तुम्हारे आंखों में कोई कुआं है क्या, तो प्रियंका बोलती है क्यों, तो आशीष बोलता है यार तुम्हारे आंखों में देखते ही मैं गिर जाता हूँ, तो प्रियंका हंसने लगती है बोलती हाँ, सो फनी बट थैंक यू यार, मैं तो कितना डर गई थी यहाँ पे नए लोग होंगे कैसे सर्वाइव करूँगी, पर तुम लोग इतने ज़्यादा अच्छे हो ना मेरे को तो यहाँ पे घर जैसा फील हो रहा है ना सीमा, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है, तो सीमा बोलते हैं हाँ हाँ डोंट वरी बड़े सिटी में इतना भी कुछ नहीं होता, बस लोग खौफ फैलाए रखते हैं, तो ऐसे बोल के ना वो भी उसका हाथ पकड़ के ऐसे हंसने लगती है, तो गर्मी बोलती कि हम पहुँच गए हॉस्टल तो हम ऊपर चले, तो प्रियंका बोलती अरे रुको ना यार तुमको इतनी जल्दी किया है तुमको जानिए जाओ ना हम बात करते कर रहे दिखाई नहीं दे रहा तुमको, तो ऐसा जैक्शर गरिमा के लिए देखे सीमा और शिया तो एकदम शॉक हो जाते हैं, और स्पेशली गरिमा चुप रह जाती है ये चीज़ देख के, तो मतलब सबको ही शौक हो जाते हैं, तो आशीष बोलता है यार उसको ऐसे मत बोल वो शेरनी शांत है ना तेरे को नहीं पता, नहीं तो तेरे को फाड़ डालेगी तू जिससे उससे बिहेव कर रही है, तो जो प्रियंका बोलती अच्छा आई एम सॉरी सीनियर मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था, ऐसे बोलती है प्रियंका, तो गरिमा बोलती है इट्स ओके मैं ऊपर जा रही हूँ हाँ आप लोग आ जाना, ऐसे बोल के वो ऊपर चली जाती है, और वो गरिमा प्रियंका का ट्रॉली ले लेके भी जा रही होती है, तो प्रियंका पीछे वो आवाज़ देती है बोलती हेलो एक्सक्यूज़ मी हेलो, तो जो प्रियंका की आवाज़ सुन के गरिमा टर्न करती है ना उसके फेस में एकदम स्माइल होती है, उसको लगता है शायद प्रियंका नाटक कर रही थी इतनी देर में अभी आके मेरे को गले लगा दे आई लव यू बोल के किस करे, तो वो एकदम खुशी के साथ ना एकदम टर्न करती है, तो प्रियंका बोलती है कि होए तुम मेरा लगेज लेके जा रही हो कहाँ जा रही हो मेरा रूम तुम्हारे रूम के साथ नहीं है, तो प्रियंका बोल गरिमा बोलती है हो आई एम सॉरी मेरे रूम के पास तुम्हारा रूम है ना, तो मुझे लगा कि मुझे मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, तो प्रियंका बोलती है आई कैन मैनेज माई सेल्फ ब्रो तुम अपने आप को खुद को मैनेज कर लो मैं अपने लिए सफिशियंट हूँ किसी की हेल्प नहीं चाहिए मुझे, तो इतना जो एटीट्यूड दे के वो गरिमा से बात करते हैं ना गरिमा के आंखों में आंसू आ जाता है, वो गरिमा चुप हो जाती है उसका ट्रॉली बैग वहीं पर छोड़ के ना आगे चली जाती है, तो जो सीमा और शिया होते हैं ना वो आशीष की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि गरिमा चुप होगी, पहली बार कोई लड़की कॉलेज में आई है जिससे गरिमा चुप हो गई, वाह यार कुछ तो बात है इस लड़की में, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या, नहीं तो गरिमा किसी की इतना सुन ले
ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ, ऐसे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। तो आशीष बोलता है, यार वो मेरी बेस्टी है, तुम उससे ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। तो प्रियंका बोलती है, मैंने कुछ ज़्यादा बिहेव कर दिया क्या? एक्चुअली ना मुझे बात नहीं करनी आती लोगों से, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी ना। वैसे उनका नाम क्या है? तो बोलते हैं कि गरिमा 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 दास है उसका नाम। तो बोलती है, हाँ गरिमा दास, शीश प्रॉम उड़ीसा ना। तो वो जो आशीष होता है, हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ शीश प्रॉम उड़ीसा, और तुम कहाँ से हो? तो बोलते हैं, मैं भी उड़ीसा से हूँ यार, मैंने बोला था अभी। तो बोलते हैं कि हाँ फिर तुम दोनों की तो बहुत अच्छी जमेगी। तो प्रियंका बोलते हैं, ना हम लोगों की अच्छी नहीं जमने वाली। तो जो आशीष बोलता है, ऐसा क्यों? तो प्रियंका बोलती है कि बस ऐसे ही, मेरी नहीं जमती उड़ीसा वालों से वैसे भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली वालों से ऑलरेडी जम गई है ना, उड़ीसा वालों से जमाने की क्या ज़रूरत है। तो आशीष और सबके से हंसने लगते हैं। तो सीमा बोलती है, सीमा सी जो रिया के कान में बोलते हैं कि यार ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है, इसका ना कुछ करना पड़ेगा, और ये हमारी फ्रेंड्स की भी इंसल्ट करके चलेगी, इसका तो रागिंग आज रात तो जैसे भी करके बनता है। तो वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं, और बट प्रियंका के सामने अच्छे अच्छे बन रहे होते हैं ताकि उसकी ना अच्छे से वाट लगा दे। तो जो सीमा शेयर बोलते हैं कि प्रियंका तुमको हमारे साथ जाना है कि तुम अकेले आ जाओगी, ऐसे बोल के वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो प्रियंका बोलते हैं, हे वेट, मैंने तो देखा ही नहीं है ना हॉस्टल, आप लोग ही टूर करवाओगे, आप तो मेरे सीनियर हो ना दी, ऐसे बोलती है। तो वो जो सीमा होते बोलते, क्यों ये दी भी किसको बोल रही हो? हाँ हम कोई दी भी नहीं है, मेरे को प्रियंका, प्रियंका मेरे को सीमा ही बुलाओ और मेरे को रिया ही बुलाओ, दोनों ऐसे बोलते हैं। तो जो प्रियंका बोलती कि आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, सो हाँ आ क्या मुझे ले चलोगे प्लीज़, उससे ना बहुत स्वीटली बात करती है। तो प्रियंका के पास सुन के ना सीमा और सिया एक दूसरे के आँख में देखते खुजर फुजर करके बोलते कि यार ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छे से हमसे तो अच्छे से बात करिए, बट ये गरिमा से इतना रूड क्यों बात करिए, चलो हमें क्या, छोड़ो, और बदला तो लेना ही है हमारे दोस्त का, इससे देखते हैं आज रात को क्या प्लान करते हैं। और पीछे मुड़ के बोलते कि हाँ तो चले अब। तो प्रियंका भी एकदम आगे बढ़ने लगती है, और प्रियंका ने गॉगल्स लगा रखा होता है, उसके फेस पे स्माइल होती है, पर जैसे ही सीमा और ये आगे बढ़ते हैं ना, उसकी आंखों में भी आंसू तो होते ही है, और उसकी जो फेस की स्माइल होती है ना, वो अचानक से चली जाती है, और एकदम एक एक कदम उससे बढ़ नहीं रहे होते हैं, फिर भी वो दूसरों को दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कूल हूँ, और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ना आगे जा रही होती है, और उसके धड़कने ना बहुत तेज़ हो रहे होते हैं। तो ट्रॉली को बहुत तेज टाइटली पकड़ के ना ऐसे ऊपर के लेके जा रही होती है, कि जैसे अपनी ना सारे सारे चीज़, सारा गुस्सा, सारा उसमें वो कंट्रोल कर रही होती है, ट्रॉली को एकदम जोर से दबाई होती है अपने हाथ में, और आगे आगे बढ़ रही होती है। तो जैसे ही सीमा और शिया का आता है ना रूम, तो बोलते कि हमारा रूम तो आ गया, तुम्हारा रूम वो आगे से राइट है, ऐसे बोल के उसको दिखा देते। तो बोलते कि मैम क्या सीमा, क्या आप मेरे को ले चलोगे वहाँ पे? तो सीमा बोलते कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने बोला तो आगे से राइट है और रूम नंबर तो लिखा हुआ, तुम देख लो वहाँ पे, ऐसे बोल के वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। तो प्रियंका से ना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा होता है, वो उसके हाथ पर एकदम कांप रहे होते। प्रियंका खुद से बोलते कि तू ये कर सकती है, तूने इतना कुछ झेला है प्रियंका, अब झेलने की बारी किसी और की है, तूने बहुत सहा है, बहुत, अब तू नहीं कमज़ोर पड़ सकती, तू कर सकती है, तू कर सकती है, ऐसे बोल बोल के ना धीरे धीरे एक एक कदम ना उससे जा ही नहीं रहे होते आगे से, और वो खुद को काम कर रही होती, तू कर सकती है प्रियंका, तू कर सकती है, तू अपने यहाँ पे ज़िंदगी बनाने आई है, करियर बनाने आई है, तू तू कर सकती है, तू किसी की मोहताज नहीं है, तू अपने लिए आई है, तू भूल मत कितना लड़ झगड़ के अपने हक के लिए तू लड़के आई है यहाँ पे, तुझे करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा प्रियंका, ऐसे बोल के धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते जा रही होती है। पर जो 11-12 होता है ना रूम नंबर, वहाँ पे रूम नंबर लिखा ही नहीं होता है, तो प्रियंका ना गलती से ही 11 नंबर रूम में घुस जाती है, जहाँ पे गरिमा ना पहले से बैठी होती है। तो वो डोर लॉक तो नहीं होता हॉस्टल का, क्योंकि हर रूम में दो दो लोग तो रहते ही है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे घुस जाती है हिम्मत करके। तो वो सामने देखती है गरिमा बैठी है, तो वो एकदम से ना उसके हाथ पर कांपने लगते हैं, और वो एकदम टर्न हो जाती है, उतने में ना गरिमा की नज़र प्रियंका के ऊपर पड़ती है। तो गरिमा एकदम देखती है प्रियंका को, प्रियंका निकल के जा रही है रूम से, तो बोलती है हे वेट 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 वेट। तो प्रियंका बोलती कि आई एम सॉरी, मैं गलत गलत रूम में आ गई। तो गरिमा बोलती प्रियंका सुनो, तो गरिमा के पास सुनकर प्रियंका सुनती ही नहीं और आगे बढ़ने लगती है। तो गरिमा एकदम आगे बढ़ के ना प्रियंका का हाथ पकड़ती है, एकदम दौड़ के भागती है, जैसे वो डोर पे ही होती है ना, और प्रियंका का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्रियंका
तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो? मैं तुम्हारी तुम्हारी गरिमा। तो प्रियंका बोलती है, हेलो एक्सक्यूज मी, मैं तुमको क्यों पहचानूँ, तुम हो कौन? ऐसे बोल के ना एकदम एटीट्यूड के साथ बोलती है। तो गरिमा बोलती है, मैं प्रियंका। तो प्रियंका बोलती है, मैं कौन, मैं तुमको नहीं जानती ब्रो, मैं पहली बार ही तुमको देख रही हूँ, और छोड़ो मेरे हाथ क्यों पकड़ी हो तुम, मैं तुमको नहीं जानती। तो गरिमा बोलती है कि क्या नाराजगी है प्रियंका, इतनी भी क्या नाराजगी है, तुमको पता भी है मैंने क्या क्या सहा है? तो प्रियंका बोलती है, अच्छा तुमने कुछ सहा भी है, मुझे तो लगा था बस तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो, तुमको देख के लग भी नहीं रहा कि तुमने कुछ सहा है बोल के। तो गरिमा बोलती है कि अच्छा तो याद आ गया तुमको? तो प्रियंका बोलती है, देखा देखा यही ना, यही एटीट्यूड है ना तुम्हारा, माफ़ी भी मांग रही हो तो घमंड दिखा के। तो गरिमा बोलती है, मैंने तो तुमसे माफ़ी मांगी नहीं, और किस बात की माफ़ी मांगू यार मैं? तो प्रियंका बोलती कि मैंने कब बोला तुमको माफ़ी मांगने के लिए, मैं तो बस गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो वैसे बोल के आगे बढ़ने लगती है। तो गरिमा उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है और बोलती कि आई एम सॉरी ना बच्चा, प्लीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ तुमको, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो प्रियंका बोलती है, कौन बच्चा है, किसका बच्चा, मैं नहीं जानती आपको, और वैसे भी आपने बोला ना कि तुम्हारी गलती क्या थी जो तुम मुझे माफ़ करो, मुझसे माफ़ी मांगोगे। तो लेट्स स्टार्ट ए न्यू स्टोरी यार, तुम पढ़ाई करने आई हो, मैं भी इतना लड़ झगड़ के पढ़ाई करने आई हूँ, तो क्यों पुरानी बातों को तुमको लेना है? तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुमको नहीं जानती, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आओगी, समझी? तो मुझे आप जाने दो, ऐसे बोलकर आगे बढ़ने लगती है। तो गरिमा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो प्रियंका बोलती है, क्या बदतमीजी है यार, हाथ छोड़ो मेरा। तो गरिमा बोलते, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ, एक बार छोड़ के देख लिया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो प्रियंका बोलती, अच्छा एक साल बाद मुझे ये चीज़ याद आई कि मेरे से मेरे मेरे बिना रह नहीं सकते। तो गरिमा बोलती कि मैं वापस गई थी प्रियंका। तो प्रियंका बोलती, अच्छा वापस किस, कहाँ वापस गई थी तुम? मैंने तो आई थिंक किसी को कॉल किया था, तो उसने बोला कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो गरिमा बोलती कि एग्ज़ाम के बाद मैं गई थी बच्चा आपको, बट अब वहाँ। तो प्रियंका बोलती, ओके ओके यार, हु केयर्स, कौन गया था कौन नहीं गया था, पास्ट ऑलवेज पास्ट, ठीक है, और मैं प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ, मैं बहुत लड़ झगड़ के अपना करियर बनाने आऊँ, तो तुम प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ जीने दो यार, मैं दिल्ली में आई हूँ यार, अच्छे अच्छे लड़के पढ़ाऊँगी, मस्त लाइफ एंजॉय करूँगी यार, पढ़ाई करना है मुझे, मुझे कुछ बनना है तुम्हारे, तुमको तो बनना जब था ना, तुम आ गई, अब मुझे बनना है तो मुझे बनने दो यार, और प्लीज़ ये बाबूशो ना दूसरों के सामने मत करो, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, सो मुझे प्लीज़ जाने दो। तो गरिमा बोलते, प्लीज़ प्रियंका ऐसा मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती, ओके ब्रो रिलैक्स, छोड़ो इट्स ओके, होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता ही रहता है, छोड़ो मुझे जाने दो। ऐसे बोलकर उसका हाथ छुड़ा के ना ट्रॉली लेके वापस जा रही होती है। तो गरिमा बोलती, प्रियंका प्लीज़ तुम यहीं पर रुक जाओ ना, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो गरिमा बोलती, मैं क्यों रुकूँ, कहाँ भी रुकूँ रास्ते पे? तो प्रियंका बोलती, प्रियंका की बात सुनकर गरिमा बोलती कि मेरे रूम में रुक जाओ, मैं अपने रूम में को दूसरे रूम में भेज दूँगी। तो प्रियंका बोलती कि नो थैंक्स डूड, मैंने करके देख लिया सब कुछ, अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है अपने हिसाब से, तुम्हारे साथ नहीं रहना है मुझे, सो चल हमारे बीच तो था तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, सो रिलैक्स पेप्स, अपने लाइफ एंजॉय करो, मुझे अपने लाइफ एंजॉय करने दो, और डोंट बी सेंटी, ठीक है, पास्ट पास्ट होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, मुझे जाने दो। ऐसे बोल के ना वो गरिमा का हाथ एक झटके में छुड़ा के आगे बढ़ने लगती है, और गॉगल्स अपने आँख में चढ़ा लेती है, और उसकी आँखों से ना कंटिन्यू ऐसे ऐसे बह रहे होते हैं, और एक बारी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती, और अपने रूम की तरफ जा रही होती है। और गरिमा का इधर एकदम बहुत बुरा हाल हो चुका है प्रियंका का ऐसे बिहेवियर देख के, जहाँ जो प्रियंका एक मिनट के लिए तरसती थी कि बोलती थी कि बेबी प्लीज़ मुझे एक मिनट ही सही बात कर लो, वो प्रियंका उसको पहचान ही नहीं रही है। गरिमा बोलती कि प्रियंका गुस्सा हो ना, ठीक है मैं तुमको मना लूँगी, बट तुम मेरी हो यार, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, तुमको नहीं पता मैंने तुमको कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं पूछा, किस किस को नहीं पूछा, तुमको तुमको क्या दिख रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं नहीं हूँ खुश तुम्हारे बिना, और ये जॉब होने के बाद मैं तुम्हारे पास आती, मैं तुमको मना लेती, कंप्लीट हो जाती ना एक बारी, मैं ठेली में अच्छा सा किसी किसी फॉर्म दे के ना मैं घुस जाती और तुमको वापस बुला लेती, और तुमको सिर्फ पेचअप कर लेती मैं, बट आई नो तुम गुस्सा हो, गुस्सा नाराज़ गुस्सा नाराज़गी है ना, मैं दूर कर दूँगी, तुम चिंता मत करो, जो तुम मुझे पहचान ही रही हो ना, ज़रूर मुझे पहचानूंगी। ऐसे बोल के ना उसके आंखों में आंसू आ रहे होते, बस वो खुद को काम करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ प्रियंका अपने रूम की तरफ जा रही होती है, उसके रूम में कोई नहीं होता क्योंकि ज्वाइनिंग तो अभी अभी चल रही होती है ना, तो सारे बच्चे नहीं आए होते कॉलेज में, हॉस्टल में स्पेशली। तो प्रियंका अपने रूम की तरफ जाती है, ट्रॉली को ऐसे फेंक देती है, रूम को लॉक करती है, और एकदम छोर कर चीख लगाती है, क्यों 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 तुमने मेरे लाइफ के साथ खेला, तुमको क्या लगता है मैं तुमको यहाँ पे माफ़ करने आई हूँ? नो मिस गरिमा दास, नो,
मैं हर एक आंसू का बदला लूंगी तुमसे जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं उस साल का बदला लूंगी तुमसे जो तुमने मेरे बर्बाद किया है। और तुमको क्या लगता है एम्बिशन बस तुम ही हो? तुम्हारे सामने तुमसे अच्छे ग्रेड रख के तुमसे अच्छे इस फॉर्म में मैं एडमिशन लूंगी और तुमसे अच्छा जॉब करके तुमको दिखाऊंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ तुमने प्रियंका का प्यार देखा है? गुस्सा देख नहीं देखा अभी तक? गुस्सा देखा है बट प्यार वाला गुस्सा देखा है। पर अब मेरा बदला देखोगी तुम मेरे सामने पल पल तड़पोगी जैसे मैंने एक एक पल तुम्हारे इंतजार में तड़पा है। तुम मेरे लिए रोओगी बट मैं तुम्हारे लिए नहीं रोऊंगी। चलो तुमको दोस्ती करनी है मुझसे ना, बट ये दोस्ती तुम पे महंगी पड़ेगी और हम दोनों कभी फिर से दोस्त नहीं हो सकते। और मैं पागल तुमको देख के मैं रोक नहीं पाई खुद को और तुम्हारे रूम में चली गई। मैं कितनी स्टूपिड है प्रियंका, क्यों खुद को जख्म देना चाहती है? तू तो स्ट्रांग है, तू इनफ है अपने लिए, तुझे किसी गरिमा की जरूरत नहीं है। यू आर ब्रेव बेबी, यू आर ब्रेव। तुझे तुझे खुद के लिए स्टैंड होना पड़ेगा, होना पड़ेगा स्टैंड। तू तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है प्रियंका। ऐसे बोल के ना वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रही होती है, उसकी आंखों में भी कंटिन्यूस बहुत आंसू होते हैं और वो खुद को बहुत ज़्यादा संभाल रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो गरिमा और प्रियंका का सीजन 2 का था ये फर्स्ट एपिसोड। तो एक के दिल में प्यार और एक के दिल में जो दुश्मनी पनप चुकी है इन दोनों के बीच, देखते हैं इस सीरीज़ में क्या रंग लाती है। हाँ होप करती हूँ कि प्रीवियस सीरीज़ जैसा भी आप लोगों को पसंद आए ये सीरीज़। तो सीरीज बोल रही हूँ स्टोरी, तो होप कि आई लाइक यू। तो आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको कुछ भी बोलना होगा ना स्टोरी रिलेटेड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। या तो द वे ऑफ मैं बोलती हूँ आप लोगों को वो भी पसंद नहीं आता है, कोई भी चीज़ मेरे बारे में आपको नहीं पसंद आता है, दिल खोल के कमेंट में बोल दीजिए यार, ताकि मैं भी खुद में थोड़ी सी सुधार ला सकती हूँ। क्योंकि हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता ना, तो मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट हूँ ही नहीं, मैं मानती नहीं हूँ खुद को परफेक्ट। तो प्लीज़ आपके दिल में अगर कुछ भी इतना सा भी मेरे लिए शिकायत होगा, कुछ भी होगा, तो बेशक बोल दीजिएगा। हाँ मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ बट आप सभी लोगों का कमेंट मैं रीड करती हूँ पर्सनली। सो जो भी चीज़ होगा बोल दीजिएगा। अगर आपका एपिसोड आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जो जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं अगर दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते यार, प्लीज़ कर दो, थोड़ा सा कर दो, बस इतना सा करना है, टैप करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यार, प्लीज़।